इंग्लैंड के खिलाफ उतरने वाला है वो बल्लेबाज जो टी20 में मचा देता है तहलका। समी के पंजे से घायल हो गया था न्यूजीलैंड, अब समी की गेंदबाजी लखनऊ के स्टेडियम में मचाएगी धमाल। हार्दिक पांड्या की चोट ने कर दिया टीम को सोचने पर मजबूर। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया में बड़ा उलटफेर, मियां भाई को दे दिया गया आराम, अब भारत देखेगा मोहम्मद समी का कमाल। अनलकी सूर्या भी लखनऊ के मैदान में मचाएंगे तबाही। अब होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सेट। वर्ल्ड कप में विजय रथ पर सवार टीम इंडिया के पास अब मौका है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 29 अक्टूबर के मैच में फेर बदल कर सकती है। टीम इंडिया ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। ऐसे में बड़ा सवाल उभर रहा है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में कोई फेर बदल करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को धर्मशाला में टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की इंजरी और शार्दुल ठाकुर के खराब फॉर्म के कारण मोहम्मद समी और सूर्य कुमार यादव को मौका दिया। पांड्या टीम इंडिया के आने वाले कई मैचों में बाहर रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या के टखने पर ग्रेड 1 लीगामेंट फटने की आशंका के कारण वर्ल्ड कप के अन्य मैचों में उनकी भागीदारी डवाडोल नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी संभावना है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ उतनी प्लेइंग 11 को ही मैदान पर उतार सकती है। इस बीच हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर सुझाव दिए हैं। भज्जी ने कहा है कि लखनऊ की धीमी विकेट स्पिन फ्रेंडली है, ऐसे में 3 स्पिनरों के साथ उतरना चाहिए। उन्होंने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ टीम में रविचंद्र अश्विन का खेलने का समर्थन दिया। वहीं भज्जी ने मोहम्मद सिराज को आराम देने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में मोहम्मद समी और सूर्य कुमार यादव को भी टीम में रखने की बात कही। हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को वे मैच में 3 गेंद फेंकने के बाद इंजर्ड हो गए और इसके बाद उनकी जगह विराट कोहली ने 3 गेंद की। सिर्फ पांड्या मैदान पर नहीं लौटे। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह मौका मिला था, जिन्होंने महज 2 रन बनाए थे। सूर्या हालांकि उस मैच में कीवी टीम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए थे और विराट कोहली संग 1 रन चुराने के चक्कर में बदकिस्मती से रन आउट का शिकार हो गए थे। सूर्या का न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच था, ऐसे में उनका वर्ल्ड कप डेब्यू काफी अनलकी रहा। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या को मौका देंगे। 2023 वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में पंजा जड़ने वाले मोहम्मद समी भी टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। समी ने 54 रन देकर 5 विकेट झटके थे। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11 अगर माने तो रोहित शर्मा कप्तान, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद समी हो सकते हैं। वहीं अगर हरभजन के अनुसार भारत की प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्र अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद समी हैं। टीम इंडिया ने इकाना स्टेडियम में 6 अक्टूबर 2022 को एकमात्र वनडे खेला था, जहां टीम इंडिया को 9 रन से शिकस्त मिली थी। साउथ अफ्रीका ने 40 ओवर में तब 249 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया 8 विकेट खोकर 240 रन ही बना पाई थी और 9 रन से ये मुकाबला हार गई थी।